और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की सुपर फास्ट खबरों के साथ। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक और अहम फैसला, प्रधानमंत्री ई बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी, 100 शहरों में चलाई जाएगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पांचवी पुण्यतिथि, राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी किया नमन। हिमाचल में हुई भारी बारिश से फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर, दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, जलस्तर 205 के पार पहुंचा। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, आज से 19 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, बचाव और राहत कार्य जारी। चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदली ऑर्बिट, लगभग गोलाकार कक्षा में लाया आया यान, वहीं 17 अगस्त को लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल होंगे अलग, 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू की रामकथा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हुए शामिल, जय श्री राम का लगाया नारा, कहा पीएम नहीं हिंदू के तौर पर आया हूं। राजस्थान में बनाया गया एक और बोर्ड, राज्य सरकार ने किया राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, 240 सरकारी स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट, इनमें से 18 गर्ल्स स्कूल शामिल। राजस्थान रोडवेज की बसों में लगे फास्टैग हुए ब्लैकलिस्ट, टोल टैक्स पर नहीं कर रहे काम, बस चालकों को पेनल्टी के तौर पर देनी पड़ रही दोगुनी राशि। हनुमानगढ़ में युवती को कार चालक ने आधा किलोमीटर तक घसीटा, चिल्लाती रही युवती, मदद के लिए कोई नहीं आया आगे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस ने कहा थाने में नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। कोटा के विज्ञान नगर में फायरिंग, नकाबपोश ने एक युवक से के मकान पर चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सांगानेर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अटल उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जाकर सांगानेर के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा सहित मंडल अध्यक्षों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नागौर जिला कलेक्टर अमित यादव पहुंचे रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में, लिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक, स्मार्टफोन योजना वितरण का किया निरीक्षण, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रगति रिपोर्ट, एसडीएम गौरी शंकर शर्मा रहे मौजूद। बगरू विधानसभा क्षेत्र के जगतपुरा में प्रताप नगर में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने शिरकत की, लोगों ने तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गिंदमाल शहर के जीके ग्वानी राजकीय कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया गया है कि बीए प्रथम वर्ष कला वाणिज्य विज्ञान में कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित सीटों के अलावा करीबन 300 से ज्यादा आवेदन ऐसे हैं आए हुए हैं, ऐसे में कई स्टूडेंट्स का आवेदन अधिक होने के कारण प्रवेश नहीं मिल रहा। भीनवा पुलिस ने पुनासा के पास दांतीवास रोड पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त दो बाइक को भी जब्त किया। शिवाबड़ौद राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में वेतन भत्तों की विसंगति समेत अन्य समस्याओं को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, नर्सेज कार्मिकों द्वारा ब्लॉक के सभी सीएससी और पीएचसी पर गेट मीटिंग कर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, बहिष्कार के दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। साकड़ा व भणियाणा ब्लॉक के आशा व एएनएम की टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया, ब्लॉक साकड़ा मुख्यालय पोखरण में जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर बलबीर चौधरी के सानिध्य में सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ व ब्लॉक का प्रोग्राम मैनेजर जितेंद्र बिस्सा ने टीबी मुक्त क्षेत्र हेतु शपथ ली। राजसिंह नगर बार संघ के अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, बार संघ अध्यक्ष प्रीतम सिंह गिल ने बताया है कि अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्यों के लिए जिले में विभिन्न न्यायालयों में जाना पड़ता है और इसलिए अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल फ्री रखा जाएगा। सुमेरपुर के भैरव चौक स्थित गार्डन में विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य सत्ता की ओर महाअभियान 2023 की शुरुआत की गई, कार्यकर्ताओं ने मीटिंग का आयोजन किया। तलेड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासा छत का प्लास्टर गिर गया है, प्लास्टर गिरने से अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारी घायल हो गया है, 2 साल पहले हुआ था अस्पताल में रिपेयरिंग का कार्य और तब से ही लगातार पूरे अस्पताल परिसर में टपकता है छत से पानी।
अजमेर के केंद्रीय कारागृह में कैद खूंखार आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उसे पूरी सुरक्षा के बीच अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसका उपचार किया और उसके बाद में उसे वापस से जेल भेज दिया गया। अब कुछ दिनों में टुंडा के खिलाफ टाटा कोर्ट में चल रहे मामले में जल्द ही फैसला आ सकता है। प्रतापगढ़ के बरोठा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य और शिक्षक पर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने जातिगत रूप से भेदभाव करने, घटिया पोषाहार देने और शौचालय की साफ सफाई करवाने का आरोप लगाया है और इसको लेकर मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों और विद्यार्थियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर जिला कलेक्टर अमित यादव पहुंचे रियाबड़ी, पंचायत समिति सभागार में लिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक, स्मार्टफोन योजना वितरण का किया निरीक्षण, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रगति रिपोर्ट और साथ ही साथ एसडीएम गौरीशंकर शर्मा मौके पर रहे मौजूद। दौसा के महवा में सड़क किनारे सड़ी हालत में मिला व्यक्ति का शव, करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। शव से सड़ाल आने पर शव पड़े होने का पता लगा, वहीं महवा पुलिस मौके पर पहुंची। ब्यावर में मसूदा उपखंड के ग्राम देवाजी का खेड़ा दौलतपुरा गांव में सरकारी भवन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। उस पर अवैध रूप से एक मस्जिद का निर्माण किए जाने पर सकल हिंदू समाज मसूदा ने आक्रोश जताया, लोगों ने रैली निकालकर कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। अलवर उद्योग नगर स्थित पाउडर फैक्ट्री में कार्यरत एक युवक ने अपने कमरे में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली और इस मामले की सूचना मिलते ही परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू जिला कलेक्टर खुशहाल सिंह सूरजगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर खुशहाल सिंह ने पंचायत समिति परिसर में चल रहे इंदिरा गांधी स्मार्ट वितरण फोन शिविर का औचक निरीक्षण किया। बारा के किशनगंज से पवित्र जल लेकर कन्यादेह से कांवड़ यात्रा किशनगंज पहुंची, सैकड़ों की संख्या में किशनगंज से कांवड़िए यहां पहुंचे। किशनगंज पहुंचने पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया और साथ ही साथ धाकड़ों के मंदिर के पास स्थित शिवजी की छतरी पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। अलवर के वैशाली नगर थाने का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। दौरान एसपी तेजपाल, आईपीएस अमित जैन, सीओ सिटी नारायण सिंह, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी, एनईबी थाना प्रभारी अशोक चौधरी सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। स्थानीय बालिका ने थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। ब्यावर के जमालपुरा में 28 वर्षीय युवती फांसी के फंदे से लटक गई, जानकारी मिलते ही परिजनों ने युवती को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर थानागाजी लाहा का बास में हो रहे थे व्यापार से परेशान ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर देव व्यापार कार्य को बंद करवाने की मांग की गई। अलवर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से 15 अगस्त की देर शाम को शहीद व सैनिकों के सम्मान में शहीद स्मारक के सामने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली व सांसद महंत बालकनाथ इस दौरान मौजूद रहे। अलवर में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के निर्णय के विरोध में ऋषि भर्तहरी मत्स्य विश्वविद्यालय में एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन किया गया और इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के कारण स्टूडेंट के बहुत से काम आसान हो जाते हैं, अब चुनाव नहीं होंगे तो कोई हेल्प डेस्क लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। धौलपुर नर्सिंग ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करते हुए अब आगामी 25 अगस्त को जयपुर की रैली के लिए संपर्क अभियान की शुरुआत की है। नर्सिंग संघर्ष समिति के धौलपुर के जिला संयोजक हरीश शंकर शर्मा, अमृतलाल त्रोण और विकास त्यागी ने इस संबंध में जानकारी ली। बीकानेर के श्री डूंगरपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों ने टीम ने छापामारी की है। टीम की कार्रवाई शुरू होते ही बाजार में हड़कंप मच गया। राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर अलवर, भैरोड़ा, खेड़दल सहित पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों में 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू हुआ। इस दौरान बताया है कि नर्सिंग की 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर 18 जुलाई से आंदोलनरत है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर के विभिन्न सड़कों के मरम्मत एवं पेच वर्क कार्य का निरीक्षण किया। गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ रेलवे ब्रिज के पास कलेक्ट्रेट से पावटा सी रोड का कार्य, भाटी चौराहे से पीडब्ल्यूडी ऑफिस रोड के पेच वर्क, वहीं कई जगहों का औचक निरीक्षण किया। अलवर के मत्स्य यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। दरअसल ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पुरानी पेंशन विसंगतियों को दूर करने को लेकर आंदोलन की आगामी रणनीति तय करने के लिए राज्य स्तरीय बैठक हुई।
अलवर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों द्वारा जयपुर सहित प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध में प्रदर्शन में रोडवेज कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को रखा। श्रीगंगानगर में एसपी विकास कुमार शर्मा के निर्देशन में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जयपुर के हरमाड़ा पुलिस ने कैब बाइक चालक से हुई लूट की वारदात 48 घंटे में खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के बांसू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए। जयपुर के सामूत थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, ई मित्र संचालक के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। ऑनलाइन गेम के रुपए और गाड़ी की बकाया किस्त चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ राजकीय जिला चिकित्सालय में नर्सेज कर्मचारियों ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, वेतन विसंगति को लेकर जताया विरोध। झुंझुनू के समसपुर में गैर मुमकिन रास्ते में चल रही खुदाई को रोकवाने की मांग को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भाजपा नेता बबलू चौधरी के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की और रास्ते की खुदाई को रोकने की मांग की। झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर डुंडलोद नव नियुक्त मंडल ने 101 फीट तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं लोहारगल धाम से यात्रा की शुरुआत हुई और नवलगढ़ क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से होती हुई टुंडलोद में संपन्न हुई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिठाइयों का हुआ आदान प्रदान, बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स में हुआ मिठाइयों का आदान प्रदान। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने आपस में करवाया मुंह मीठा और आजादी के पर्व पर बॉर्डर पर सद्भावना देखने को मिली। जालौर के साला पंचायत समिति के सभा भवन में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए गए। एसडीएम ताराचंद, तहसीलदार कौशल्या चांगेड़, सरपंच रजनी कंवर की मौजूदगी में वितरण कार्यक्रम हुआ। पाली के चितारण में विधायक कोष से लाखों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक अविनाश गहलोत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का बक्की और गैर से अभिवादन किया। अलवर के कठुमर पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान को राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त पर अशोक चौहान को पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र और बैज लगाकर सम्मानित किया। सीकर में नर्सेज कर्मचारियों ने लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। ये विरोध सीकर जिले के सभी सीएचसी पीएचसी सहित सरकारी अस्पतालों में देखने को मिला। चुरू के लोहिया महाविद्यालय के सामने एबीवीपी ने धरना दिया। छात्र संघ चुनाव और 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जालौर में एसपी मोनिका सेन के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। भीनमाल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। 70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद किए गए। रायसिंह नगर के गांव 40 एनपी में एक युवक को पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। ससुराल पक्ष के 2 दर्जन से अधिक हथियारबंद लोगों ने युवक से मारपीट की और घर में तोड़फोड़ कर जमकर ईंटें फेंकी। अमृत महोत्सव के तहत सादुल शहर से श्रीगंगानगर तक भाजयुमों के पर्व जिलाध्यक्ष गुरवीर बराड़ के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली भगत सिंह चौक से रवाना हुई और विभिन्न गांवों से होती हुई श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौरा चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई। रायसेनगर के गांव 6 जेकेएम में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना की शुरुआत हुई। 113 वर्षीय सरस्वती देवी सुधार और उप प्रधान संतोष बिश्नोई ने योजना की शुरुआत की। टिड़वानी के लाटू में नहरी जल सप्लाई बाधित होने पर अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर सप्लाई दुरुस्त करने की मांग की। ऐसे में आमजन को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लाटू में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ हुआ। विधायक मुकेश भाकड़ ने पंचायत समिति कार्यालय में शुभारंभ किया। भाकड़ ने राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। नागौर के लाटू में पाबुलाव धाम से कावड़ लेकर महिलाओं के लाडू पहुंचने पर लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर महिला कावड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं की शिव भक्ति देकर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। यावर शहर में श्री चांदबल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर आयोजन किया गया। आंचल प्रसूता योजना के तहत गर्भवती तथा धात्री महिलाओं ने पौष्टिक आहार सामग्री वितरित की गई। नागौर के जाल में स्वीप कार्यक्रम के तहत नव पंजीकृत मतदाताओं को जागरूक किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के जरिए मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। झालावाड़ जिले के अडक थाना क्षेत्र के धतूरिया गांव में महिला सीमा बाई की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस कर रही जांच पड़ताल।
कोटा के टावानगर स्टेडियम प्रांगण में लगा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा शहर की शान बढ़ाता नजर आया। करीब 105 फीट की ऊंचाई पर लगा यह राष्ट्रीय ध्वज शहर की शान बढ़ा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र राजौरिया ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटकर योजना की शुरुआत की। इस दौरान राजौरिया ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार की सभी योजनाएं बूंदी जिले के दुंगारी ग्राम पंचायत स्थित सहकारी मिनी बैंक के खिलाफ ग्रामीणों में रोष है। मिनी बैंक खातों की शेष राशि नहीं लौटाने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। कोटा के खेड़ार सुलपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। पेयजल सप्लाई से पहले ही टंकी में पानी का रिसाव देखने को मिला। मांडलगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की ओर से उपकरण अधिकारी महेश गागुरिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समुदाय विशेष के युवकों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय के गेला की भागल गांव में चोरों का आतंक देखने को मिला। बिजली लाइन का फॉल्ट कर विद्युत डीपी की चोरी हुई। डीपी से ऑयल और कॉपर के वायर पार कर लिए गए। बांसवाड़ा के लंकाई गांव में युवक ने की आत्महत्या। अपने निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। डूंगरपुर में स्वतंत्रता दिवस की शाम देशभक्ति गीत और डांस से भरपूर रही। जहां शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में राष्ट्रभक्ति की प्रस्तुतियां देखने को मिली, तो वहीं भारत माता के जयकारे सुनने को मिले। बांसवाड़ा के घाटोल में सिद्धि विनायक मंदिर पर पुरुषोत्तम मास एवं श्रावण मास व्रत की पूर्णाहुति पर पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद धीरज के पवन ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद धीरज के पवन ने सभी चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली और अस्पताल में व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। धौलपुर के सेपो में पत्नी की हत्या का आरोप है। वहीं संदिग्ध परिस्थिति में पति का झोपड़ी में शव मिला है। घटना से परिजनों सहित गांव में मातम पसरा हुआ है। करीब 22 दिन पूर्व लाखन के पत्नी की मौत हुई थी। थोड़ा भीम कस्बे के पावर हाउस रोड पर भगवान शिव का सहस्त्र घट कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्रोच्चार के साथ की गई पूजा अर्चना, सैकड़ों महिला पुरुषों ने जलाभिषेक किया। जयपुर के जगतपुरा और प्रतापनगर मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांसद रामचरण भौरा, डॉक्टर कंचन सोरेल सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। ईंट से सिर पर वार कर अधेड़ की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगभग 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद हुई गिरफ्तारी। सीकर कलेक्ट्रेट में आंगनबाड़ी कार्मिकों ने गैर आईसीडीएस कार्य में लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। अन्नपूर्णा फूड संचालन एवं सर्वे कार्य में ये विरोध जताया जा रहा है और लगातार ग्रामीण आक्रोश जता रहे हैं। जोधपुर के शिरगढ़ में प्रधान श्रवण सिंह जोधा ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया। सत्यापन के बाद खाद्य सुरक्षा में पंजीकृत लाभार्थियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए गए। भीनमाल के विकास भवन में पंचायत समिति के साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसका कई पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों ने बहिष्कार किया। राजसिंहनगर की अनाज मंडी में मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर प्रदर्शन कर कामकाज ठप कर दिया। मजदूरों की मांग है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा चना सरसों खरीद की मजदूरी के 13 लाख रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा को सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र गोदारा ने राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए पट्टा अभियान में 6000 पट्टे देकर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। नागौर के मेडिकल सिटी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है। युवा छात्र कॉलेज और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन जता रहे हैं। सरकार से छात्र संघ के चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए 35,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए। पड़ोसियों से मिली जानकारी के बाद पीड़ित परिवारजन ब्यावर पहुंचा और अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। नागौर में हुए तुलसीराम माली हत्याकांड का मामला, डीडवारा में भी माली समाज के लोगों में रोष है। जिला कलेक्टर सीताराम जाट को ज्ञापन दिया है। हत्या का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। जाल नगर पालिका परिसर में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट राशन योजना का शुभारंभ हुआ। नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए गए। कोटा के टावा नगर में एक मकान में कॉमन करेत कोबरा निकलने से दहशत का माहौल हो गया। लोगों में हड़कंप मच गया। हयात खान ने मौके पर पहुंचकर कॉमन करेत कोबरा का रेस्क्यू किया।
बूंदी में छात्र संगठन के नेता और पदाधिकारियों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। बूंदी के डाबी बरड क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। कहीं ट्रांसफार्मर जले हुए हैं तो कहीं अवैध रूप से ज्यादा कनेक्शन दे रखे हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में दो दिन से चल रही भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई के छात्रों ने पीजी कॉलेज से मिनी सचिवालय तक बारिश में दंडवत यात्रा शुरू की। तेज बारिश के बीच कॉलेज परिसर में हवन यज्ञ कर मिनी सचिवालय तक दंडवत यात्रा निकाली। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे सहित ग्रामीण अंचल पूर्ण रूप से बंद रहा। अनिश्चितकालीन धरने को लेकर हजारों की भीड़ धरना स्थल पर पहुंची। 16 ग्राम पंचायतों को शाहपुरा जिले में शामिल करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ की छोटी सारणी में रेलवे निर्माण में अवाप्त की जा रही जमीन का उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां ग्रामीण रेलवे द्वारा दी जा रही मुआवजा राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति आरी करने की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर में एसबीपी कॉलेज गेट के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीपीपीएम ने टायर जलाकर विरोध जताया। वहीं सरकार से जल्द ही छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग रखी। प्रतापगढ़ के बड़वास खुर्दगांव का थाना क्षेत्र बदलने से नाराज ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अरनोद थाना क्षेत्र में ही रखने की मांग की। ऑपरेशन गरिमा के तहत बालघाट थानाधिकारी अभिजीत मीणा ने बालिकाओं और महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल शेरपुर में जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक जब्त की और इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। धौलपुर में एक महिला की पति ने बेरहमी से पिटाई की, जान बचाकर घर से महिला भागी। ट्रैफिक कांस्टेबल ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पति पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाया। झुंझुनू के कहरपुर खुर्द में कुएं का भाजपा नेता राजेंद्र भांबू ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में राजेंद्र भांबू ने पानी बचाने और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पानी की हर एक बूंद बेहद कीमती है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पदमपुर में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा में भाग लिया। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने भगत सिंह चौक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। रेलवे के सीनियर डिविजनल इंजीनियर मनोहर गुदारा डिडवाना दौरे पर रहे, जहां गुदारा ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत नई स्टेशन बिल्डिंग निर्माण कार्य का जायजा लिया और दौरान स्टेशन साइट का निरीक्षण कर गुदारा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।